खंडहर बन चुकी इस कोठी का इतिहास हम सभी को जानना चाहिए। जगत सेठ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक धनी व्यापारी परिवार का नाम हुआ करता था। बंगाल समेत देश के कई शहरों में इनकी विशाल कोठियां थीं। जगत सेठ के बारे में प्रसिद्ध है कि वे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक को पैसा देते थे, लेकिन ये परिवार कभी भी मराठों या किसी हिंदू राजा की आर्थिक सहायता नहीं करता था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज और इस्लामी शासक ही असली राजा हैं। इस मानसिकता का क्या परिणाम हुआ, ये उन सेकुलर हिंदुओं को अवश्य जानना चाहिए जिनके सिर से मजहबी एकता और गंगा जमनी तहजीब का भूत अभी तक नहीं उतरा है। पहले एक नजर जगत सेठ परिवार के इतिहास पर। 17वीं शताब्दी में राजस्थान के नागौर से सेठ हीरानंद साहू का परिवार पटना में आकर बस गया। उनके बेटे माणिक चंद ने व्यापार को पूरे देश में फैलाया। बंगाल के दीवान ने उन्हें पूरे राज्य में लगान वसूलने का काम दे दिया। इसके बाद तो मानो उनकी लॉटरी ही लग गई। पटना के रास्ते बंगाल के पूरे व्यापार तंत्र पर एक प्रकार से जगत सेठ का आधिपत्य हो गया। उस कालखंड में जगत सेठ की संपत्ति की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की जाती थी। हाउस ऑफ जगत सेठ के लेखक जेएच लिटिल ने जगत सेठ परिवार की तुलना विश्व विख्यात बैंकर रॉथशील्ड से की है। औरंगजेब के मरने के बाद जब मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो रहा था, तब जगत सेठ ने उनकी हर संभव सहायता की। जबकि इसी समय मराठे तेजी से भारत को अपने अधिकार में लेकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे थे। माना जाता है कि यदि मराठों के पीछे जगत सेठ जैसी फंडिंग होती तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जगत सेठ परिवार बाद के समय में अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी करने वाले मीर जाफर का करीबी हो गया। कहते हैं कि जगत सेठ ने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए उस दौर में 2,80,00,000 रुपए खर्च किए थे। वर्ष 1757 में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और जगत सेठ घराने से ऋण के रूप में लिया धन लौटाने से मना कर दिया। बंगाल के नए नवाब मीर जाफर ने मुर्शिदाबाद का टकसाल जगत सेठ से छीन कर अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में मीर जाफर के दामाद कासिम ने जगत सेठ मेहताब राय और उनके भाई स्वरूप चंद को गंगा नदी में डुबो कर मार डाला और परिवार की सारी संपत्ति सोना चांदी लूट लिया। इतना ही नहीं, उसने परिवार की स्त्रियों को सेक्स स्लेव अर्थात अपनी भोगदासी बना लिया। इस घटना के बाद जगत सेठ परिवार पूरी तरह से बिखर गया। बाद में अंग्रेजों ने थोड़ी बहुत पेंशन बांध दी, उसे भी कुछ दिन बाद बंद कर दिया गया। ये कहानी मतभ्रमित हिंदुओं के लिए एक सबक है जिन्होंने अपने ही इतिहास से कुछ न सीखने की कसम खा रखी है। उन्हें अपने ही हिंदू शासक से हजारों शिकायतें रहती हैं, इस सीमा तक कि वे शत्रु की कठपुतली बनकर अपने लिए ही कब्र खोदनी शुरू कर देते हैं। जगत सेठ का परिवार नष्ट हो गया, लेकिन उसकी मानसिकता हिंदू समाज में आज भी कायम है। आज भी अलग अलग रूपों में हम वही काम कर रहे हैं। हम इतने आत्मघाती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज होकर सोनिया गांधी को सत्ता सौंप देते हैं। नरेंद्र मोदी से नाराज हुए तो किसी भी ऐरे गैरे को लाने की बात करने लगते हैं। शहरों और गांवों में हमें कोई हिंदू एक्सटॉर्शनिस्ट बुरा लगता है, लेकिन मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद जैसे गुंडों को खुशी खुशी हफ्ता देते हैं। इन सारे ही मजहबी अपराधियों के पीछे आपको किसी न किसी जगत सेठ का हाथ अवश्य मिल जाएगा। हम हिंदू एक्सटॉर्शनिस्ट को नहीं पालेंगे जो केवल कुछ पैसे ही लेगा। हम मुसलमान एक्सटॉर्शनिस्ट को पालेंगे जो पैसे लेगा, फिर हमारी महिलाएं और संपत्ति लेगा और अंत में हमारे गले भी काटेगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे।
हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।